दोस्तों आपको पता होगा प्रधानमंत्री ई मुद्रा स्कीम सन 2015 के अंतर्गत चलाई गई थी और इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य मेन टारगेट था ये उन लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना था जो लोग अपना छोटा मोटा कारोबार चालू करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की शॉप ओपन करना चाहते हैं, दुकान ओपन करना चाहते हैं, उन लोगों को इस योजना के तहत लोन दिया जाता है। दोस्तों आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो आप अपने बैंक के थ्रू ई मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। इस लोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये लोन लेने के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से आवेदन करके ही बिना पेपरलेस ये लोन आप प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफी कम होता है और इस लोन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा होता है ताकि एक आम व्यक्ति इस लोन को आसानी से वापस लौटा सके। और दोस्तों ये जो ई मुद्रा लोन है आप अपने बैंक से ले सकते हैं। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, SBI बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, लगभग सभी बैंक ये ई मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से ई मुद्रा लोन के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहे आपका अकाउंट हो या फिर नहीं हो तब भी दोस्तों आप इस लोन के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करेंगे और इस लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको क्या लगने वाली है और इस लोन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है ताकि आसानी से ये लोन आप वापस चुका चुके, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो आप लगातार बने रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको मुद्रा लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है। इस वाली वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है मुद्रा लोन और बगल में लिखा हुआ है गेट मनी इन योर अकाउंट विद इन मिनट्स, मतलब आपके अकाउंट में पैसा सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो कंडीशन है वो यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग कस्टमर योर अकाउंट नंबर एंड एक्सेस टू मोबाइल नंबर लिंक्ड टू इट, मतलब अगर आपका खाता पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपका जो अकाउंट है उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक नहीं है, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ खाता नहीं है तो आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो भी यहाँ पर कोई बात नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा वो भी प्रक्रिया मैं आपको यहाँ पर आगे चल के बता दूंगा। उसके बाद अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपका बैंक के साथ लिंक है। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर खाता नहीं है तो आप यहाँ पर कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, वह वाला OTP आपको यहाँ पर OTP में डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट OTP का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बोरोवर कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अकाउंट होल्डर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट है तो आपको यस पर क्लिक करना है, अगर आपका नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। जैसे हमारा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो वाला अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर डाला है उसके साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस वाले मोबाइल पर एक OTP जाएगा, वह वाला OTP आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद तुरंत ही आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मैसेज मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर चूजिंग अस फॉर अवेलिंग डिजिटल मुद्रा लोन, और यहाँ पर आपका जो भी लीड ID है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है और यहाँ पर आपकी एक ID है। अब आपको क्या करना है, इस वाली ID को आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप चाहो तो इस वाले मैसेज को सेव करके रख सकते हो। उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर बेसिक डिटेल्स डालने का जो ऑप्शन है वो आपके सामने खुल के आ जाता है। यहाँ पर आपको आपका जो भी टाइटल है आपको उस वाले टाइटल को सिलेक्ट करना है।
टाइटल को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो जेंडर है वो रहेगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका जो अकाउंट है, अगर उस वाले अकाउंट में आपका पैन कार्ड लिंक होगा तो आपका पैन कार्ड भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी अगर लिंक होगी तो वो भी आ जाएगी, नहीं तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। यहाँ पर आपका आधार नंबर आ जाएगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा वैल्यू ऑफ असेस्ट ओन्ड बाय यू, मतलब आपके पास कितने वैल्यू वाली असेस्ट है, कितने की आपके पास संपत्ति है। तो जितने भी आपके पास संपत्ति है उस वाली संपत्ति को आपको यहाँ पर रुपए में लिख देना है, जितना भी आपके पास बजट है, जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेसिडेंटल स्टेटस में आपको यहाँ पर रेसिडेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ ओल्ड इज योर बिजनेस, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और जितना भी ओल्ड आपका बिजनेस है उस वाले बिजनेस को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस इस पर क्लिक करना है। अगर आपका 6 महीने पुराना है तो आपको 0 to 6 इस पर क्लिक करना है। अगर 1 साल पुराना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, और अगर 1 साल से ज्यादा है तो आपको मोर देन 1 ईयर ओल्ड इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है, अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है उसका नाम क्या है, इसके अलावा आपका जो बिजनेस है वो आपने कब स्टार्ट किया था, वो वाली डेट आपको यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो बिजनेस है उसका जो एक्टिविटी है वो किस टाइप का है, तो यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस टाइप है उस वाले बिजनेस टाइप को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती है या फिर जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपका बिजनेस का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है उस वाले बिजनेस में लास्ट 12 महीने में टोटल कितनी सेल्स हुई है, और नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो 12 महीना है उसके अंदर आपने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद यहाँ पर एमएससी कैटेगरी में ऑटोमेटिक माइक्रो सिलेक्टेड रहेगा, आपको इसको सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मुद्रा लोन दिया जाता है वो आपको बिजनेस के तौर पर दिया जाता है। अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है तो भी आपको यहाँ पर अपना बिजनेस दिखाना होगा, अगर आप बिजनेस नहीं दिखाओगे तो आपको यहाँ पर मुद्रा लोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बिजनेस में यह दिखाना है कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर कितने लोग एम्प्लॉय हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, तो जितना आप दिखाना चाहो उतने नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है वह वाला एड्रेस आपको यहाँ पर कंप्लीट डाल देना है, पिन कोड डालना है, सिटी सिलेक्ट करनी है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, स्टेट कंट्री ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी बैंक ब्रांच है, जैसे हमने यहाँ पर हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर जो भी हमारा बैंक ब्रांच है वो वाला ब्रांच यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका एड्रेस है ब्रांच का वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद सारी डिटेल डालने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा मुद्रा लोन यहाँ पर अप्रूव हो चुका है, और यहाँ पर लिखा हुआ है हाई विजेंद्र सिंह लेट अस नो द रिक्वायरमेंट, और नीचे आप देखोगे तो लिखा हुआ है लोन प्रोडक्ट, और यहाँ पर मुद्रा लोन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके अलावा आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर 10,000 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक का मुद्रा लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एरो के निशान को कम ज्यादा करना है, और जितने रुपए का भी आप लोन लेना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखोगे तो पर्पज ऑफ लोन में ऑलरेडी मल्टीपर्पज बिजनेस लोन सिलेक्टेड है। इसके अलावा आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोन प्रोडक्ट टाइप, इसमें भी बिजनेस लोन सिलेक्टेड है। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको जो लोन चाहिए वो आपको यहाँ पर 36 महीनों से लेकर 60 महीनों के लिए दिया जाएगा। तो जितने महीनों के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उस वाले महीने को आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको 60 महीनों के लिए मतलब 5 सालों के लिए लोन चाहिए तो आपको यहाँ पर 60 मंथ को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट रेसिडेंटल एड्रेस है वह वाला एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका पहले से कोई बिजनेस लोन है, अगर आपका है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इस वाले चेकबॉक्स पर भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद वापस से नीचे स्क्रॉल करना है, इस वाले चेकबॉक्स पर, इस वाले चेकबॉक्स पर, दोनों पर आपको क्लिक करना है।
दोनों पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हो। अगर आप हो तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस और नीचे यहाँ पर आ जाएगा कि आपका यहाँ पर इतने रुपए का मुद्रा लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हो। जैसे कि हमने यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपए का मुद्रा लोन लेने के लिए अप्लाई किया था और हमें यहाँ पर एलिजिबल भी बता रहा है। अब हमें मुद्रा लोन लेने के लिए क्या करना है, नीचे ऑप्शन मिल रहा है प्रोसीड का, हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट योर मेन बिजनेस अकाउंट, उसके बाद नीचे हमारा जो भी सेविंग अकाउंट है उसका जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर हमें बताया हुआ है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आपको बैंक स्टेटमेंट 12 महीने का देना होगा, लेकिन यह यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है शेयर द सिलेक्टेड बैंक अकाउंट का, हमें इस पर क्लिक करना है। जिसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारा जो पैसा है वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो अगर आपको भी बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन लेना है तो आपको इसी तरीके से मुद्रा लोन लेने के लिए अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो 100% यहाँ पर आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के ही मुद्रा लोन सिर्फ मोबाइल फोन से अप्लाई करने पर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का प्रोसेस आप फॉलो करके बैंक ऑफ बड़ौदा से अपने मोबाइल फोन से ही लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या लगता है। वैसे तो दोस्तों हर एक बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अगर आप SBI के थ्रू ये जो ई मुद्रा लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 11 से 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है, और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 13 से 14% तक का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। इसी प्रकार अलग अलग बैंकों का यहाँ पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है और आवेदन प्रोसेस भी अलग अलग रखा गया है। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के थ्रू ये ई मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस लोन का जो दोस्तों टाइम पीरियड है वो आप यहाँ पर 2 साल से लेकर 5 साल तक रख सकते हैं, ताकि आप 5 साल तक इस लोन को आसानी से धीरे धीरे चुका सके। तो कैसी लगी ये वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साइड में आपको 2 वीडियो और दिखाई दे रही होगी, इन वीडियो पर भी क्लिक करके आप ये वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई और इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।